अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जैसे आप लोग हैं ना, धरती चले, ऐसे ही मैं भी खड़े होकर मैं भाषण सुनता था बचपन में। और मैं पार्टी का अध्यक्ष रहा, देश का गृह मंत्री रहा, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, रक्षा मंत्री। इसलिए मैं परखता हूं नौजवानों को, किसके अंदर तेवर है, कौन कुछ जिंदगी में कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रदीप कुमार साहू इस प्रकार का प्रत्याशी है जो कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। और इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने आया, इसलिए भी भाजपा के साथ भाजपा के लिए वोट मांगने आया। प्रारंभ से जब हम जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे नेता हुआ करते थे, उस समय भी हम लोग कहते थे हम आएंगे तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होने के बावजूद जम्मू कश्मीर का संविधान अलग होता था और भारत का शेष भारत का संविधान अलग होता था। जम्मू कश्मीर का जो मुख्यमंत्री होता था वो वजीर आजम कहा जाता था, प्रधानमंत्री कहा जाता था, और भारत में भी एक प्रधानमंत्री होता था। और भारत का तिरंगा झंडा अलग था और वहां का झंडा जम्मू कश्मीर का अलग था। हमारे नेता डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने 51 में ही कह दिया था कि इस देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चाहिए। और हर चुनाव में हम लोग देश की जनता को वचन देते थे, जिस दिन भारत की संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा हम दो विधान, दो प्रधान, दो निशान को समाप्त कर देंगे और देश में केवल एक विधान, एक प्रधान और एक निशान। हॉस्पिटल में जाकर इलाज करने कराने की हिम्मत नहीं होती थी, पैसा नहीं। क्या बोल रहे हैं? कभी कभी घर की माताएं बहने अपना जेवर बेच देती थी, जमीन बेच देते थे इलाज कराने के लिए, फिर भी इलाज नहीं हो पाता। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, आयुष्मान भारत एक नई योजना लागू की, और उस योजना के अंतर्गत जो भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण कराएगा, जो भी गरीब भाई बहनों भाइयों, एक साल में 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज होगा, मुफ्त इलाज होगा, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और इतना ही नहीं, एक साल में 5 लाख रुपए में उसकी सेहत ठीक नहीं हुई, दूसरे साल भी जरूरत पड़ेगी तो 5 लाख रुपया सरकार खर्च करेगी मुफ्त इलाज। ऐसी योजनाएं भी इस देश में लागू होंगी, क्या कोई कल्पना कर सकता है? यह सब कुछ किया है बहनों भाइयों और हम लोगों की सरकार ने किया। सब छोड़िए, दूर नहीं ले जाना चाहता, आज के 10 साल पहले का झारखंड और आज के झारखंड में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में, मैं यह नहीं कहता कि सब कुछ हो गया, अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि झारखंड, यदि आज भी बिहार का यदि हिस्सा रहा होता, इस क्षेत्र का उतना विकास हो पाता जितना होना चाहिए? किसने झारखंड बनाया? किसने झारखंड बनाया? भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ही झारखंड बनाया। और आज झारखंड जो हिंदुस्तान के जितने राज्य हैं सबसे निचले पायदान पर खड़ा था, आज जब बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसका मूल्यांकन करते हैं कि हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य में बिजनेस करना, व्यापार करना काफी आसान हो गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे कहते हैं, आपको जानकर खुशी होगी जो झारखंड बिल्कुल धरातल पर था वह जंप लेकर आज हिंदुस्तान के टॉप 7 राज्यों में आकर खड़ा हो गया है, टॉप 7 राज्यों में आकर खड़ा हो गया। क्या इससे झारखंड की इज्जत नहीं बढ़ी? क्या झारखंड की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी? क्या इसके कारण यदि उद्योग लगेंगे तो रोजगार के नए अवसर पैदा नहीं होंगे? हम इसे वोट मांगे हैं। और बहनों भाइयों, किसी के बाहर बकावे में आकर वोट मत करिए। अब पता नहीं क्या सच है क्या गलत है, मैं नहीं जानता, मुझे मालूम है शराब बांटी जा रही है,
माने 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 अब आपको यह चाहता है कि हम आपको बेहोश करके वोट ले। बहनों भाइयों, वोट करना है तो पूरी तरह से होश हवास दुरुस्त करके वोट करना है। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, नहीं नहीं चुपचाप कमल छाप नहीं, चुपचाप कमल छाप नहीं, दिल खोल के कमल छाप, दिल खोल के चमत्कार कमल छाप। भाइयों, आपकी समस्याओं को प्रभावी आवाज देने का काम यदि कोई कर सकता है तो आपका प्रदीप कुमार साहू कर सकता है। तो ये बताइए, जिता देंगे ना? पक्का सब? अच्छा, जिता देंगे, ईमानदारी से देखिए बोलिएगा, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो एक बार सब लोग हाथ उठाकर ताली बजा। मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया। बहुत धन्यवाद। जवाब भी प्रदीप जी, हम लोग कहना जिता देंगे। चलें, फिर मिलेंगे।